हेलो एवरीवन, आज मैं अपने टीवी पे खेलने वाला हूँ माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन का सबसे ओल्डेस्ट वर्जन। हम लोगों ने 19 पॉइंट कुछ खेला था तो वो चल गया था बढ़िया से, लेकिन अभी का जो न्यूअर वर्जन आ रहा है वो थोड़ा लैग कर रहा है टीवी पे। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो सबसे पुराना वर्जन खेलते हैं और देखते हैं कितने FPS आता है उसमें। एंड आई थिंक 60 FPS तो आ ही जाएगा, तो करते हैं टीवी पे प्ले। हम लोगों ने सेंड फाइल्स टू टीवी को खोल लिया है फ़ोन पे और टीवी पे। अगर आपको नहीं पता है कि ये कैसे करते हैं तो आप लोग माइनक्राफ्ट ऑन टीवी वाला वीडियो देख सकते हैं आई बटन पे, उस पे मैंने अच्छे से बता रखा है। तो यहाँ पे आपको सेंड कर देना है डाउनलोड्स। ये रहा, ये APK है मेरा, आप लोगों को कहीं भी मिल जाएगा APK, गूगल पे खोज लेना ओल्डेस्ट वर्जन। ये 1.0 अल्फा वाला है तो 49 MB का है। और यहाँ देखो स्मार्ट टीवी आ गया, क्लिक कर दिया और टीवी पे आने लग गया ये। इसको आने देते हैं, टीवी पे जा चुका है, अब इसको पैक करके आपका मोबाइल का काम हो गया। अब इसको रख दो और टीवी पे आके आपको ओके दबाना है, ओके ओपन कर देना है। और जो पहले वाला माइनक्राफ्ट था उसमें पॉकेट एडिशन लिखा हुआ है, वहाँ पे देखो आ रहा है ना। अब आपको इंस्टॉल कर लेना है, यहाँ पे जाके इंस्टॉल हो गया, ओके इंस्टॉलिंग हो जाना भाई। गाइस आप लोगों को पता है ये वाला माइनक्राफ्ट मैंने फोन पे किया था, तो ये कभी कभी चल जाता था, कभी कभी ये क्रैश कर जाता था, क्योंकि पहले वाला माइनक्राफ्ट को इतना अच्छा से नहीं बनाया था, कुछ बग वगैरह थे, ग्लिचेस वगैरह। तो देखो इंस्टॉल होता है कि नहीं। और गाइज यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, इसको डन करते हैं और बैक करते हैं पूरा। और ये आ गया है माइनक्राफ्ट का पॉकेट एडिशन। भाई ये कैसा लोगो है ये देखो, ये तो टट्टी है। ओपन करते हैं क्या आएगा गाइस। ओ भाई साहब देखो अल्फा लिखा हुआ है ना वहाँ पे, अल्फा माउस है गाइस मेरे पास, यहाँ पे कीबोर्ड भी है, सब लगा के रखा है। अब इसको कट करते हैं। और पहले तो सर्वर वाला चीज होता नहीं था, तो फ्रेंड्स वाला ही है बस। अभी फ्रेंड के साथ तो खेल नहीं सकते हम लोग, क्रिएट न्यू वर्ल्ड करते हैं और जनरेट रैंडम करते हैं। और यहाँ पे प्ले आ रहा है लिखा हुआ, तो कर दिया भाई। देखते हैं टीवी में कैसा वर्ल्ड जनरेट करता है ये। और ऊपर में टीवी का नाम भी लिखा हुआ रहा है, M-Star स्मार्ट टीवी, एंड्रॉइड 8 है ये। और FPS देखो 60 दिखा रहा है भाई साहब, बिल्कुल सही हम लोगों ने प्रेडिक्शन किया, लेकिन अभी तो 34 FPS दिखा रहा है। अबे गाइस ये माउस सपोर्ट नहीं ले रहा है, लगता है पहले वाले वर्जन में नहीं किया था ऐसा माउस सपोर्ट। क्या कीबोर्ड सपोर्ट करेगा ये देखो, अच्छा कीबोर्ड सपोर्ट कर रहा है गाइस, ये देखो जंप भी कर रहा है, ओके। पर माउस नहीं काम कर रहा है, माउस का बस पॉइंटर दिख रहा है, नहीं काम करेगा क्या गाइस। पहले वीडियो में आके हम लोग थोड़ा सेटिंग कम करते हैं कि हम लोग को एकदम FPS मिले बढ़िया जैसा। सो एडवांस सेटिंग कर देना है। अच्छा चंक्स 8 कर रखा है ना, इसको 5 कर दिया है मैंने। अब चलते हैं ये कंट्रोलर पे भाई, कीबोर्ड एंड माउस चला दे भाई। माउस का नहीं दिया है क्या इसमें, माउस का नहीं दिया है गाइस, ये टच ऑफ नहीं होगा, टच नहीं चाहिए हमें। चलो कोई नहीं, फुल कीबोर्ड गेम प्ले हुआ क्या। अच्छा एरो की से आगे पीछे जा रहा है बस। अरे भाई 60 FPS गाइस, ये देखो टीवी पे 60 FPS। अब कंसोल का जरूरत है तुम लोग बताओ जरा, बस माउस पकड़ो। मैं एक हाथ से कैमरा को पकड़ा हुआ हूँ इसलिए माउस नहीं पकड़ पा रहा हूँ। तो ये देखो कीबोर्ड से गेम प्ले हो रहा है और FPS देखो तुम लोग 45 आ रहा है ये देखो। अरे यार एक हाथ से कैसे खेलूं, बुलाना पड़ेगा किसी को, तो अभी तो कोई है नहीं। ये देखो जब मैं ऐसे जब मूव कर रहा हूं मैं, तो देखो FPS कितना है, अभी भी 40 है। 30-45 तो चलता है, ठीक चल जाएगा। और यहाँ पे हम लोग पेड़ तोड़ने का कोशिश करते हैं, ये लो ओ तेरी पेड़ भी टूट रहेगा गाइस। चलो कुछ बनाते हैं, व्हाट ये कैसे क्राफ्टिंग टेबल। अच्छा यहाँ पे टैप करना पड़ता है, ये देखो गाइस ओक प्लैंक्स, 4 ओक प्लैंक्स मिल गया, ओके मिल गया ना। अब क्या करना है, अब इसका क्या बनाना है, स्टिक बनता है क्या। चलो हम लोग इसका क्राफ्टिंग टेबल बनाते हैं। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है क्राफ्टिंग टेबल, इस पर टैप कर दिया और ये आ गया एस्केप 1 नंबर। अब इसको लगाते हैं यहाँ पे। अरे यार राइट क्लिक नहीं काम कर रहा है गाइस, प्लेस कैसे करें ब्लॉक को, ये तो फेंक दे रहा है। हम लोग कीबोर्ड से भी कर सकते हैं गेम प्ले, ये हम लोग बस कीबोर्ड बाइंडिंग है ना उसमें कोई कोई कीबोर्ड का शॉर्टकट लगा देंगे, जैसे कि अटैक एंड डिस्ट्रॉय है ना, बटन 1 है ये। अच्छा ऐसे कर सकते हैं इसको, माउस का बटन हो सकता है ये। अरे नहीं नहीं माउस का बटन नहीं रख सकते उसमें, कीबोर्ड का कोई बटन रख देते हैं। वेट अरे खुल जा भाई, ओके अटैक एंड डिस्ट्रॉय में हम लोग रखते हैं कौन सा बटन, रख देते हैं यू बटन। यू हो क्यों नहीं रहा है, यू बटन भाई नहीं हो रहा है, पिक ब्लॉक कुछ नहीं हो रहा है। अरे कुछ तो हो जाओ भाई, नहीं हो रहा है की बाइंडिंग, कीबोर्ड भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, माउस कीबोर्ड तो कर रहा है माउस नहीं कर रहा है भाई। हम लोग ब्लॉक कैसे प्लेस करेंगे, ओके आज लगता है कि हम लोग को थोड़ा और आगे वाला वर्जन में जाना पड़ेगा जिसमें कीबोर्ड माउस सपोर्ट करे। तो मैं जरा रिसर्च करता हूँ कौन सा वर्जन है वो, और आप लोग को दिखाता हूँ इंस्टॉल करके। तो मैंने ChatGPT से पूछा कि ऐसा कौन सा माइनक्राफ्ट का वर्जन है जिसमें कि पहला बार माउस एंड कीबोर्ड का सपोर्ट आया था, तो वो बता रहा है कि 1.2 वर्जन है। तो हम लोग देखते हैं उसको चला के क्या उसमें माउस सपोर्ट करता है कि नहीं। मैंने ये वाला ऐप खोल लिया है मोबाइल पे और टीवी पे। अब जल्दी से जाते हैं डाउनलोड्स में और ये नियर बाय शेयर, और वो जो है ये वाला है 2 मिनट्स एगो 1.2.0। तो इस पे क्लिक कर देता हूँ और स्मार्ट टीवी आ रहा है, क्लिक कर दिया और टीवी पे आने लग गया है। ये बस 67 MB का है गाइस, ये देखो तो टीवी पर आ चुका है। अब इस पे क्लिक कर देते हैं ओपन, और यहाँ पे इंस्टॉल का बटन आएगा। जल्दी आओ भाई, वेट नहीं हो रहा हमसे।
ये नोटिफिकेशन है, ये हट जाए तो इंस्टॉल का बटन दिखेगा, और ये दिख गया और इंस्टॉल दबा दिया है। और गाइस यहाँ पे माइनक्राफ्ट लिखा हुआ आ रहा है, पॉकेट एडिशन नहीं, मतलब उस समय पॉकेट एडिशन हट गया था। और ये इंस्टॉलिंग हो रहा है भाई, प्लीज हो जाना, बट इंस्टॉल एनी वे। गाइस ये शायद ट्रैकर वैकर कुछ लगा हुआ है, तो ये इंस्टॉल एनी वे पूछ रहा था। आप कोई सिक्योर वेबसाइट से कर सकते हो डाउनलोड, जहाँ पे कि ये सब नहीं पूछेगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे माइनक्राफ्ट इंस्टॉल हो चुका है और आ चुका है यहाँ पे। अब इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, क्या आएगा? ओ व्हाइट वाला लोगो माइनक्राफ्ट का, इसके बाद मैं इसके बाद भी दिख जाओ कुछ। ओ भाई साहब ये बड़ा मस्त लग रहा है, पीछे का देखो कैसे मूव कर रहा है गाइस। पहले हम लोग सेटिंग में जाके कुछ देखते हैं क्या क्या आया है इसमें। ओके नीचे जाओ भाई, एडवांस वीडियो भी है ना, ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। अरे एडवांस वीडियो ऑन करो, हाँ अब आया ना। अरे ऑफ हो जा रहा है, बस एफ ओ भी है और कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। अच्छा नीचे यहाँ पे है गाइस रेंडर चंक्स वगैरह, इसको 4 कर देते हैं, देखते हैं अब कैसा चलता है। प्ले हो जाओ। और गाइस इस समय यहाँ पे सर्वर वाला भी आ गया था, यहाँ पे हम लोग ऐड भी कर सकते थे, पर अभी तो सर्वर नहीं बना सकते। अभी हम लोग क्रिएट न्यू वर्ल्ड करते हैं, करते हैं क्रिएट न्यू वर्ल्ड, क्रिएट हो जाओ और देखते हैं कितना सेकंड में होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके गाइस अप्रोक्स 10 सेकंड में हो गया, और भाई लग तो रहा है एकदम 60 FPS है। यस भाई 60 FPS है, लेकिन माउस नहीं सपोर्ट कर रहा है गाइस। तब भी चलो, पता नहीं कौन सा वर्जन में माउस सपोर्ट करेगा, लेटेस्ट वर्जन में तो कर ही जाता है माउस सपोर्ट, ये सब में नहीं कर रहा है। लगता है थोड़ा और आगे का वर्जन करना पड़ेगा, तो वो आप लोग तो कर ही लोगे मुझे पता है। तब भी खेलने में तो मजा आ रहा है गाइस, पुराना वर्जन एक नंबर है। अगर तुम लोग रेंडर चंक्स कम करके खेलोगे तो बहुत मजा आएगा। और क्या जिसके पास कंसोल लेने का पैसा नहीं है, वो लोग ये वाला ट्रिक बिल्कुल अपनाना, ठीक है, टीवी में डायरेक्ट माइनक्राफ्ट चलाना। और ये देखो पहाड़ आ चुका है। और क्या मैं यहाँ पे कीबोर्ड से खेल रहा हूँ, ये कीबोर्ड का ये वाला बटन होता है ना AWSD, और ये माउस है जेबियन का, ये कितना में लिया था मैंने, ये तो 150 का लिया था, ठीक है। अभी मेरे पास एंटी स्पोर्ट्स का भी है, जिसको मैं लैपटॉप पे खेलता हूँ, तो यहाँ पे देखो चल रहा है, तो ऐसे आप खेल सकते हो गाइस। तो यहाँ पे मेन चीज क्या है कि आपको इसमें FPS बहुत मिलता है, अगर आप लेटेस्ट वर्जन करोगे ना तो थोड़ा लैग करेगा, 30 FPS तक जाएगा, ठीक है। और ये जो है आई थिंक 60 FPS तक ले जा रहा है, दिख तो नहीं रहा है क्योंकि ये बीटा वर्जन नहीं है। इसके पहले जो हम लोग बीटा वर्जन किया था उसमें FPS दिखा रहा था, जो कि 60 तक जा रहा था, तो बढ़िया चीज है ये। और गाइस मैं F5 दबा के देखता हूँ क्या इसका वो FOV चेंज होता है। यस FOV चेंज हो रहा है, ये देखो। हेलो गाइस, हेलो हेलो, अरे पंच कर दे भाई। हेलो हेलो हेलो, आज मूड नहीं कर। एरो की से भी चलता है ये, देखो एरो की से भी चलता है ये बंदा तो। ओके गाइस, तो ऐसे आप अपने टीवी पे माइनक्राफ्ट खेल सकते हो, वो भी 60 FPS पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना, और चैनल भी नहीं तो सब्सक्राइब करना। और अगर आप लोगों ने हमारा इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो जल्दी उसको फॉलो कर दो, उसमें जल्दी से 50 फॉलोअर कर दो तुम लोग। और डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर लेना, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मिलते हैं आपको ऐसे ही किसी और वीडियो में। Tell my viewers to subscribe my channel Anand Plus. YouTube पर सब्सक्राइब चैनल के 63,74,699 दर्शक हैं। Alexa, रख। रख तेरी माँ की। रख। Alexa, मेरे सब्सक्राइबर को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने बोलो। @streaming.com से मिला एक स्टॉप।